जानते हैं इसका फ्लोर कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बॉटम लिमिट स्विच से सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन को थोड़ा ऊपर लेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्टर स्विच 5 दिए हुए हैं, इरेक्शन जनरल ड्रॉप टेस्ट, इसको इरेक्शन पे करना है। फाइनल लिमिट स्विच ऑन रहेगा, रैक स्विच ऑन रहेगा, लोड सेल को बाईपास पे कर देंगे, ठीक है। केज है तो केज, रीबार रहेगा मोटर तो रीबार, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मैक्सिमम फ्लोर, जितने मैक्सिमम फ्लोर रहेगा वो इसमें पुट करना है। सपोज यहाँ पे 16 है तो ये जो ये बटन है आपके पास, ये इंटर का है, यहाँ प्रेस करेंगे, ठीक है। 1 है, लेफ्ट राइट यहाँ होता है, इससे राइट होगा इससे लेफ्ट होगा। यहाँ 16 करना है मुझे तो यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे, ठीक है। 16 हो गया, फिर ये इंटर, हमारा ये मैक्सिमम फ्लोर हो गया, ठीक है। होम पे चले जाएंगे, मशीन को डाउन करेंगे, डाउन कर देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फ्लोर कैलिब्रेशन, ठीक है। तो बॉटम लिमिट स्विच अब हमारा कट ऑफ हो गया, अब हम इसे इरेक्शन मोड पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकोडर पल्स 00 आ गया, ठीक है। यहाँ से अब हम ऊपर लेके जाएंगे, बस यहाँ फर्स्ट है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रखा, यहाँ पे आ गया फर्स्ट, डिक्रीमेंट करके मैंने फर्स्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है F5 प्रेस करने के लिए, कैलिब्रेशन F5, ओके हो गया। दैट मीन्स कि आपका फर्स्ट फ्लोर सिलेक्ट हो गया, ऊपर करो। और ऊपर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये भाई 2 करना, इंक्रीमेंट, ये तो डिक्रीमेंट कम होता है ना, इंक्रीमेंट करना, ठीक है। यहाँ 2 हो गया, उसके बाद F5 प्रेस करना है, ये 2 हो गया। चलिए इसी तरीके से हम 16 तक जाएंगे F5 प्रेस कर करके, ठीक है। जहाँ पे जैसे आप थर्ड आएगा तो थर्ड पे हम चेक करेंगे हमारा फ्लोर का लेवल, उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट से थर्ड पे आ जाएंगे, इंक्रीमेंट का 3 हो गया और F5, तो ऐसे ही हमें करना है, ठीक है। 16 तक, उसके बाद क्या करना है, जब पूरा फ्लोर हो जाए तो उसका चाबी को जनरल पे कर देना है, फिर लोड सेल को ऑन पे कर देना है, ठीक है। अब इसको की को हम ऑटो में कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसमें चेक करना है, मान लिया हमें जाना 13 पे, हमारा ऑटो मिल जाएगा, ठीक है। बस ऐसा ही करना है, सिंपल है।